संख्या पद्धति नहीं, संख्या पद्धति को बताने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा कितना गणित है ये? 9 का। तो संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, और चैप्टर का नाम है 6.1, 6.6 है रे। अच्छा, संख्या पद्धति 1.6, एक्सरसाइज नंबर 9th का। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ सबसे पहले आप बेसिक सीख लीजिए। बेसिक क्या है, तो बेसिक में यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेसिक में लिखिए ए पावर एन, ठीक है, और गुना ए पावर एम जब रहेगा तब क्या करेगा। तो देखो सबसे पहले हटो, तो हम समझा रहे थे कि ए पावर एन, यदि इसका नीचे वाला जो बेस, ये जो बेस है इसको बोलते हैं बेस, समझिए इसको बेस कहते हैं, ऊपर वाला पावर है, समझ गए ना। और यदि ये पावर ऊपर में अलग अलग और ये बेस दोनों जब सेम रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों में से एक को रख देंगे, ये रख लेंगे, ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, तो जुट जाएगा, मतलब एन प्लस एम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सपोज दैट, जैसे एग्जांपल में लिखे हैं 4 पावर 6 गुना 4 पावर 8 दे देते हैं, इसका आंसर कैसे निकालेगा? तो इसका भी आंसर वही विधि है, जो विधि अभी पढ़े वही विधि। तो यहाँ 4, यहाँ 4 है, तो ये क्या लिख देंगे, 4 एक लिख लेंगे, और उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 प्लस 8 हो जाएगा 4 पावर कितना, 14, ये हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है। अगला देखिए, ये इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करिएगा तो नोट करते जाइए फटाफट, हम सिर्फ इसका थ्योरी लिख देते हैं, आप पकड़ लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, यदि इस तरह का रहेगा, जैसे ए पावर एन गुना बी पावर एम, समझ रहे बात को, अलग अलग अंक रहेगा, तो अब क्या करना है इस स्थिति में, दोनों को गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए बी ऊपर में एन प्लस एम। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 4 अगला लेते हैं 3 पावर 6 गुना 5 पावर 8 या 9 ले लेते हैं, 9 बराबर। तो इसको कैसे करेंगे, तो इस ट्री मतलब सवाल के सूत्र के अनुसार 5 3 15 और 9 और 6 को जोड़ देंगे, मतलब 15 पावर 9 6 15 ही होता है, हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो ये थ्योरी इस तरह से आपका काम करेगा, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। आगे देखिए, ये तो हो गया दोनों एक पावर का। उसके बाद है कि यदि ए पावर एम एन, ठीक है, आप बाहर में रहेगा एम, तब क्या करना है, तब क्या करेंगे, देखिए तो ए तो लिख देंगे, ये दोनों ऊपर में क्यों गुना हो जाएगा, एन गुना एम। ठीक, सपोज दैट एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 9 पावर 6 और 12 पावर रहेगा 2, तो इसका आंसर कैसे निकालिएगा, तो हो जाएगा ये 9 6 2 12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये बनाते चलिए, फटाक से उतारते चलिए, इसको हम इसको मिटा देते हैं और थ्योरी बचाते हैं। अगला देखिए, जैसे रहेगा ए पावर एन बटे बी पावर रहेगा एम, तो कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो ए और दोनों अलग अलग अंक है, दोनों अलग अलग अंक है ना, तो इसी तौर पे रहने देंगे, इसी तौर पे रहने देंगे ए बटे बी। ठीक है, ये जो पावर एम है, ये पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एन माइनस क्या हो जाएगा, तो एम, क्या हो जाएगा, एन माइनस एम, ये हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम इसका समझा रहे हैं, 9 बटे हम लिखते रहे 7,
नौ पे पावर छः, आठ पे पावर लिख दे रहे हैं या दो ही लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं? दो। तो इसको कैसे हल कीजिएगा? तो ये नौ बटे सात रहवे करेगा, ठीक है। और ये जो चार है, चार है और नीचे वाला माइनस है, वो दो घटा दे। सूत्र के अनुसार नौ बटे सात पर पावर हो जाएगा दो, दो आंसर है ना, ये हो जाएगा एग्जांपल में। इस तरह से बनाना है आपको। बिठा देते हैं एग्जांपल को, बिठा देते हैं। अगला देख, सपोज दैट यहाँ भी रहेगा ए, बीच नीचे में भी रहेगा ए, यहाँ पर रहेगा एम पावर, यहाँ एन दे देते हैं एन, या यहाँ रहेगा एम, तब क्या करेंगे? ऐसा जब कंडीशन जब कहेगा तब क्या करेंगे? दोनों ए ए ही हैं, है ना, ए ए, तो उसके बदले में सिर्फ ए को लिखना है। अब पावर को फिर क्या करेंगे? माइनस ही कर देना। जैसे एग्जांपल में लिखिए, जैसे में चार पर पावर में आठ, चार पर पावर में छ हो गया। तो ऐसे नहीं कटा देना है, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि कटा देना, तब क्या करेंगे? इसके बदले में चार ही चार है, तो इसके बदले में सिर्फ ले लेंगे चार। आठ में से क्या करेंगे? छ को घटा देना है, तो कितना बचेगा? चार पर पावर बच गया हमको दो आंसर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये थ्योरी आपको मदद करेगा। इसको मिटा देते हैं। अगले थ्योरी की तरफ बढ़िए। देखिए, यदि रहेगा ए पावर एम, ए पावर एम दे देते हैं एन, इंटू बी पावर एम, ये तो बता दिया ना, हाँ? नहीं बताया है, हाँ ये तो बता दिया, ये तो हो गया, इस तरह का थ्योरी हो गया। यहाँ पर दे देते हैं एम, क्या देते हैं? एम, मतलब ए पावर एम और बी पावर में भी रहेगा एम। तब इसको कैसे डिनोट कीजिएगा? तब इसको डिनोट करने के लिए क्या करना है? दोनों को गुना करिए लेना है, ए बी गुना कर लेंगे, अब दोनों को गुना करके पावर में जो दोनों का एम है वो लिख देंगे एम, ये हो जाएगा इसका आंसर। कहिएगा कैसे काम करेगा सर ये सवाल में? तो जैसे मान लीजिए चार पर पावर रहेगा आठ और गुना नौ पर पावर में रहेगा आठ, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करेगा? तो नौ चौके छत्तीस और पावर में क्या हो जाएगा? आठ ही आंसर हो जाएगा। समझ बात को? बस ये हो गया हमारा थ्योरी का जो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट था। ये नाइन्थ का है, ठीक है ना, स्टार्टिंग बेस का है। आप लोग इसको याद रखिएगा, तब जा करके आपको सवाल बनाने में सुविधा मिलेगी, ठीक है। तब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज को।